आज हम इस वीडियो के माध्यम से कलानौर के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थित संसाधन कक्ष की गतिविधियों के विषय में दिखाने जा रहे हैं। रिसोर्स रूम में दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल और वोकेशनल स्पोर्ट विशेष अध्यापकों के द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। रिसोर्स रूम में दिव्यांग स्टूडेंट को पीयर्स की मदद से विशेष अध्यापिका एजुकेशनल सपोर्ट प्रदान करते हुए ताकि बच्चा जो है अपनी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ भी सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। समावेशित शिक्षा द्वारा दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है जिसमें संसाधन कक्ष और विशेष अध्यापक का विशेष सहयोग रहता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनीता चहल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलान। मैं आज आपको आईट सेंटर के बारे में बताना चाहूँगी और बड़ा ही सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का। तो जैसे कि सभी को पता है हमारा जो ये आईट सेंटर 2006 में स्थापित हुआ था, टीचर बच्चों के साथ अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे पास हर कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल में नहीं आ सकते, चल फिर नहीं सकते, पूर्णतः बेड पर ही हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी सरकार ने उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान किया है। तो हमारे जो आईडी सेंटर में जो टीचर हैं, तीन टीचर हमारे पास है, मिसिज दया, मिसिज पारुल एंड बंसीलाल जी। तो जैसे हमारे ब्लॉक में 7 क्लस्टर हैं, तो सभी को क्लस्टर दिए हुए हैं। तो जो हमारे होम बेस के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को पर्सनली टीचर्स घर जा करके हर प्रकार का इनका सर्वांगीण विकास करने के लिए गतिविधियां करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एकेडमी का काम भी इन बच्चों से करवाते हैं, कल्चरल का काम भी इन बच्चों से करवाते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं और इनके मनोरंजन के लिए जो ये कर सकते हैं छोटे छोटे गेम भी करवाते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों का स्कूलों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति एक नई इनके अंदर किरण जागृत हुई। मेरा नाम प्रिंस है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगाना का छात्र हूँ। मेरी विकलांगता का सर्टिफिकेट 80% बना हुआ है। मैं छठी कक्षा में था, मेरे विशेष अध्यापकों और सामान्य अध्यापकों ने खेलों के बारे में मुझे प्रेरित किया और जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बढ़कर खेलों में हिस्सा लिया करते हुए मेरा खेलों में सिलेक्शन हुआ और मैं आगे खेलों में गया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। जनवरी 2023 में गुजरात में नडियाड में हुआ था, इसमें मैंने भाग लिया 400 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में, इसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अब मैं इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इसके लिए मैं खंड शिक्षा अधिकारी और बीओ मैम, प्रिंसिपल सर और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे भाई मेरे साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जब वो तीसरी कक्षा में था एक दुर्घटना में उसका पैर कट गया। मेरे माता पिता उसे गोद में लेकर स्कूल आते और ले जाते थे, तब समानता अध्यापकों ने, विशेष अध्यापकों ने मदद की। सर्वोच्च शिक्षा के द्वारा लगवाए गए मेडिकल कैंप में उसे कृत्रिम पैर लगवाया गया। अब वह अपने आप स्कूल आता और जाता है। अध्यापकों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और रिसोर्स रूम में दिव्यांग बच्चों को पीयर बच्चों के साथ फंक्शनल एकेडमिक करवाते हुए स्पेशल टीचर दया रानी। विशेष अध्यापकों के द्वारा खंड के सभी सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ विशेष अध्यापक शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हुए होम बेस्ड एजुकेशन के तहत विशेष अध्यापकों के द्वारा घर पर विजिट करके उनके पेरेंट्स को गाइड
किया जाता है। साथ ही होम बेस्ड के बच्चों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा और सपोर्ट प्रदान किया जाता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रतिवर्ष दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप का अरेंजमेंट किया जाता है। इस मेडिकल कैंप में बच्चों की असेसमेंट की जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं, रेल पास बस पास की सुविधा दी जाती है, आवश्यकता अनुसार बच्चों को कृत्रिम अंग और एड सप्लाइंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम दिव्यांग बच्चे की न केवल शिक्षा को फोकस करते हैं बल्कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हैं। खेलकूद, सांस्कृतिक और एजुकेशनल टूर को भी इम्पोर्टेंस देते हुए इन बच्चों को उसमें भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। उपरोक्त पिक्चर में हमारी कुछ झलकियाँ दिखाई दे रही हैं बच्चों की, जिन्होंने जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया है। GSSS निगाना से प्रिंस बच्चे ने पैरा ओलंपिक नेशनल में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, साथ ही रनिंग जंप में भी उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। जिला स्तर और खंड स्तर के अधिकारियों के द्वारा आईट सेंटर का समय समय पर औचित निरीक्षण भी किया जाता है। मेरा नाम अशोक कुमार है। द्वारा SSA अभियान 2005 और 6 से स्टार्ट किया गया था और इस SSA अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक रिसोर्स रूम दिया गया है। एक टीचर रिसोर्स रूम में रहता है जबकि दो अन्य टीचर फील्ड में जाकर बच्चों को जो है शिक्षित करते हैं और बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उनको जन सामान्य के अंदर सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान करवाया गया है उसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना और सामान्य बच्चों के जैसा इनको स्कूल में शिक्षा प्रदान करना है। हमारे ब्लॉक में 142 CWSN बच्चे हैं जिनकी बार बार विजिट करके स्पेशल टीचर के द्वारा बार बार विजिट करते हैं इन बच्चों को और जरूरी शिक्षा और इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ इनको खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का मौका दिया जाता है और उसके लिए इनको उत्साहित किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये है कि हमारे ब्लॉक में बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं गेम्स के अंदर। लेकिन निगाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगाना में प्रिंस बच्चे ने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में 400 मीटर रेस में और लॉन्ग जंप में। और सरकार द्वारा जो समय समय पर ये अभियान चलाए गए हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं तो स्पेशल टीचर के द्वारा बच्चों को उसके बारे में जानकारी देकर उनके पेरेंट्स को उत्साहित करके कैंप में ले जाया जाता है, जिसमें बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनको बस पास दिए जाते हैं, उनके ट्रेन के पास बनवाए जाते हैं और इसके अलावा उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि कोई बच्चा सर्जरी से ठीक हो सकता है तो सर्जरी के लिए उनको आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि स्पेशल टीचर और जो ये प्रोग्राम है इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो ये इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और सरकार का ये सराहनीय प्रयास है। और इस प्रयास के द्वारा जो बच्चे समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग मानते हैं तो इस प्रयास से वे बच्चे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और जो कुछ बच्चे अभी बाकी हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो धन्यवाद।